मेक ए कैंडल लाइट, एक रोमांटिक लंच अपने हबी के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज शुक्रवार है एंड आज का समय टाइम थोड़ा मैं अलग दिखाती हूँ। ऐसा तो मेरा घर का वो घड़ी देख देख के आई एम श्योर आप सब बोर हो चुके होंगे, पर तो मुझे लगा नहीं, आज मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी यही जगह से एंड मैं आपको एक दूसरा घड़ी दिखाऊँगी। तो अभी टाइम हुआ है या मैं आ गई हूँ। So now the time is, how many of you can see the time? See, it is 9:15 and आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं अपने विलेज के पार्क में आई हूँ। सी, कोई भी नहीं है, लेकिन ये जगह इतना अच्छा है ना, शांत है एंड वॉक करने में भी मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू नो कार्स एंड ऑल यू कैन सी। नहीं तो क्या होता है यहाँ, लाइक यहाँ पे कार रख के ना सब लोग, हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, हम लोग ट्रेल पे चले जाते थे। ये अब बहुत लंबा वॉक कर सकते हैं, पर अभी के सिचुएशन के लिए आई फील दिस प्लेस इज मोर सेफ एंड मुझे पसंद भी है कहीं ना कहीं। तो चलिए अभी अच्छी तरीके से मैं वॉक करूँगी एक घंटा एंड राय को हम लोग स्कूल में ड्रॉप करके आ गए। आज तो हम लोग इतना जल्दी चले गए ना, लाइक स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ही इज़ लाइक आप लोग इतना जल्दी आ गए, हम लोग 8:30 को चले गए एंड राय का स्कूल स्टार्ट होता है 9:15 को। फिर हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग वेट करेंगे, तो देन दे वर लाइक हाँ तुम लोग पर गाड़ी से मत निकालना। तो फिर आई थिंक आफ्टर 10 मिनट्स ही वो लोग आ गए टू चेक द टेम्परेचर एंड ऑल। एंड ये मौसम यार, दिस इज़ द बेस्ट मौसम ऑफ द ईयर, पता नहीं मुझे ना इतना पसंद है ये। आई जस्ट वेट कि कब ये सब ट्री का कलर एंड ऑल चेंज होगा। You said that you need me. तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, अभी नहीं बहुत टाइम हो गया है, अभी 12 बजने वाला है, किसी का नहीं टाइम का। एंड यार मैं क्या बोलूँ, ये मौसम मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी फिर आप लोग बोलेंगे पायल तुम एक ही डायलॉग 100 बार बोलती हो एंड मैं अभी दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, या मैं दिखाई दे रही हूँ, वेट मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। हाँ तो मेरा पूजा एंड ऑल सब कुछ हो गया है एंड चलिए अभी खाना बनाते हैं। एंड हाँ, आप लोग बहुत जन मुझे बोल रहे थे, विच इज़ ट्रू, मैं किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ कि पायल तुम बहुत नर्वस मॉम हो। हाँ मैं बहुत ज़्यादा ना नर्वस, लाइक मॉम में नर्वस नहीं, मैं इंसान ही बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ऐसा छोटा मोटा कुछ होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस, घबरा जाती हूँ। बट हाँ डेफिनेटली जहाँ पे यू नो सिचुएशन आ दिया, जहाँ पे स्ट्रांग होना है मैं वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाती हूँ एंड डेफिनेटली वी बोथ फाइट बैक, तो वो ही रहता है। एंड ये हैबिट मुझे लगता है ना होल लाइफ ऐसा रहेगा। ये अभी इतना मेरा उम्र हो गया अभी और कहाँ चेंज होगा। तो चलिए अभी कुछ अच्छा खाना बनाते हैं एंड या मुझे लगता है ना सी क्या, मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो अच्छा आता है। लाइक आई फील कि अगर मैं कैमरा को यहाँ पे रखती हूँ थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है। वॉट डू यू ऑल फील, मुझे बताना यार, क्योंकि क्या आई फील यहाँ पे ठीक आता है। लाइक मेरे हबी भी बोल रहे थे तुम ऐसा रखो, पर ऐसा मैं रखूँ तो मैं कैसे करके बात करूँ। मैं आई एम यूज टू इट ना, भी इतने सारे चेंजेस आए हैं ना, तो आई गेट वेरी लाइक मुझे इतने चेंजेस पसंद नहीं है। तो चलिए मैं ट्राईपॉड को यहाँ पे ही रख देती हूँ। तो राय को तो हम लोग ड्रॉप करके आए एंड आने के वक्त राय बोल रही है मम्मी मैं बस में आऊंगी, बिकॉज अभी क्या होता है ना शी कैन मीट हर फ्रेंड्स एंड ऑल ना, एंड बस पे भी ऐसा नहीं है एक एक ही बच्चे बैठते हैं। सपोज आज जब हम लोग तो बस पे नहीं गए, तब जब बस जा रहे थे ना तब हम लोग देख रहे थे एक बस पे सिर्फ 4 ही बच्चे है एंड लाइक बस में बच्चे चढ़ने से पहले ना, मैंने चढ़ने से ठीक ही बोला ना, तो वो लोग फुल सैनिटाइज कर लेते हैं बस को। तो राय बोल रही है लाइक फिर भी उसकी फ्रेंड दूर बैठेगी ना, दे कैन वेव एंड दे कैन टॉक। मैंने बोला ठीक है, तुम देखो आज कितने, लाइक आज हम लोग देखेंगे कितने सारे बच्चे आ रहे हैं, अगर ज़्यादा बच्चे हो देन आई विल गो एंड पिक हर, लाइक मैं उसको जाके पिक कर लूँगी, एक ही बात है। तो चलिए आज मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। टुडे मैं क्या बोलूँ, हम लोग, मैं सोच रही हूँ कि आज तो हम लोग दोनों अकेले घर पे हैं, तो मैं सोच रही हूँ लेट मी मेक ए
कैंडल लाइट, एक रोमांटिक लंच अपने हबी के लिए. तो आई गॉट ऑल द फिश एंड ऑल, एंड उनको जैसे चिकन के ना, उनको लेग पीसेस बहुत पसंद है, तो आई गॉट सम फ्रेश लेग पीस ऑल्सो फॉर हिम. तो इससे हम लोग कुछ एक कलमी कबाब टाइप बनाएंगे, समथिंग यू नो. मैं जो रेसिपीज बनाती हूँ ना, मैं लाइक जो यू नो ऑलवेज मैं बोलती हूँ ना, कुकिंग में यू कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. तो वही मैं सोच सोच के करती हूँ, जैसा जैसा होगा आई विल टेल यू ऑल. एंड मैंने उनको नहीं बताया है दैट आई गॉट ऑल दिस फॉर हिम, क्योंकि पता नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि कैंडल, क्या बोलूँ, एक कैंडल लाइट लंच करेंगे एंड ऑल, फिर देखा जाए तो वही मुझे टिफिन सर्विस ही देना पड़ेगा. तो चलिए जल्दी जल्दी चॉपिंग एंड कटिंग करते हैं, देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ. तो मैं एक कलमी चिकन कबाब बनाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा कोरिएंडर लीव्स लिया है, फिर यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा, इसमें से थोड़ा कैश्यू नट, एंड ये मैं अप्रोक्स अमाउंट बोल रही हूँ. तो चलिए पहले पेस्ट बनाते हैं. तो फर्स्ट ना मैं इसमें अराउंड 4 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट ले रही हूँ. अगर आप चाहे तो योगर्ट बाद में भी, लाइक दही बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे लगा चलो सब कुछ एक साथ मिला के पेस्ट हो जाएगा, लाइक पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है. फिर इसमें हम लोग थोड़ा ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे. तो यहाँ पे ना थोड़ा बेसन को भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ताकि वो एक स्मेल रहे ना, कच्चा स्मेल रहता है वो चला जाएगा. तो यहाँ पे अराउंड 6 चिकन ड्रमस्टिक है, एंड मैं सिर्फ हाफ जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया ना वो मैंने ऐड किया है. उसके बाद मैं इसमें 4 टेबलस्पून ऑफ क्रीम ऐड कर रही हूँ, फिर 1 टेबलस्पून ऑफ ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी, फिर 1/4 टीस्पून ऑफ आमचूर पाउडर, फिर मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, फिर मैं इसमें थोड़ा व्हाइट चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, बिकॉज आई फेल्ट कि लाइक थोड़ा तीखा कम हुआ है, बट यू कैन जस्ट ऐड ग्रीन चिली पेस्ट. फिर मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, एंड अभी हम लोग इसमें बेसन ऐड करेंगे. तो जब भी आप कुछ भी मैरिनेट करें ना, ऑलवेज ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल इन इट. तो ये रहा मैरिनेटेड चिकन, एंड क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, जनरली ये सब ना वंस द मैरिनेशन इज डन, लाइक कीप इट फॉर 3 to 4 hours, तो बहुत टेस्टी निकल के आता है. बट हाँ, यू नो देयर इज लिटिल बिट ऑफ टेक्निक ऑल्सो. सपोज अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं फ्रीजर पे रख दूंगी फॉर अराउंड 15 to 20 minutes. तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लाइक जुगाड़ टाइप मैरिनेट तो हो ही जाता है. तो अभी मैं इसको फ्रीजर पे रख दूंगी. ज्यादा टाइम के लिए अगर आप फ्रीजर में 1 घंटा रखेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा. जस्ट 15 to 20 minutes. एंड सी, बाकी का मैरिनेट है तो इससे हम लोग सॉस बना लेंगे, लाइक ग्रेवी बना लेंगे थोड़ा. एंड मुझे लगा था कि मैं उनको ऐसा सरप्राइज दूंगी, पर घर में जब वो है तो सरप्राइज कैसा होगा. मैं जब बात बोल रही थी ना तब वो ऊपर आए सब चाय एंड ऑल, लाइक चाय का कप एंड ऑल लेके, तो उन्होंने सब कुछ सुन लिया. पर डेफिनेटली फ्रॉम माई सो मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज मैं बोलना चाहती हूँ कि जितना भी उम्र हो जाए ना, डोंट लूज दैट, एक मैजिक, एक स्पार्क रहता है ना मैरिज में, वो कभी भी मत खोना. जितने ही बच्चे बड़े हो जाए, जो भी हो जाए, ऑलवेज टेक सम हस्बैंड वाइफ टाइम. ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना है शॉपिंग करने, कुछ भी करके छोटा मोटा टाइम, यार मैंने सही बोला क्या, या छोटा मोटा टाइम निकाल ही लीजिए. तो सैमन से ना मैं एक गार्लिक लेमन सैमन बनाऊंगी, कैसा राइम हो गया ना, गार्लिक लेमन सैमन. तो उसके लिए मैं ना क्या करूंगी, ये एक्चुअली अगर आपके पास येलो कलर का नींबू होना, क्या बोलते हैं उसको, लेमन बोलते हैं राइट, येलो कलर का, इसको तो लाइम बोलते हैं, आई गेट कंफ्यूज विद दिस लाइम एंड लेमन. तो एनी हाउ मेरे पास नहीं है, तो आई एम डूइंग विद द ग्रीन वन. एंड पहले ना हम लोग इसको थोड़ा लेमन जेस करेंगे. लेमन जेस मतलब क्या, ये छिलका जो है ना, इसको थोड़ा ग्रेटर से थोड़ा कद्दूकस कर लेंगे. बट हाँ, सिर्फ आपको वो ग्रीन कलर का पोर्शन ही निकालना है, अंदर में जो व्हाइट कलर, लाइक उसके अंदर में तो व्हाइट आता है ना, वो जब लाइक डोंट, उसको कद्दूकस मत कीजिए. एंड दिस लेमन जेस ना आप कोई भी खाने में दे सकते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ चाइनीज खाना बना रहे हो तो इससे लाइक बहुत अच्छा एक एरोमा आता है. तो दिस इज अ वेरी सिंपल रेसिपी, एंड इफ यू आर अ फिश लवर,
ट्रस्ट मी यू विल लव दिस रेसिपी. थोड़ा अलग होता है यू नो नॉर्मल के वो बोरिंग खाने से. एंड मैंने टाइमर लगाया है 15 मिनट्स का. सैमन बनाने के लिए एक पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है. फर्स्ट हम लोग इसमें अराउंड 1 टीस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे. एंड फिर आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइक लेमन स्लाइस ऐड किया था, वो थोड़ा फ्राई होने के बाद हम लोग निकाल लेंगे. तो फिर मैंने सैमन ऐड कर दिया है. एंड फिर मैंने ऊपर में थोड़ा सॉल्ट एंड थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है. आपको ज़्यादा टाइम तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का फ्राई करना है. देन इन द सेम पैन अभी मैंने अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ फाइनली चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है. फिर मैं इसमें थोड़ा बटर ऐड कर रही हूँ. तो उसके बाद अभी मैं इसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ. अराउंड 1 स्मॉल अनियंस आपको ऐड करना है. फिर मैं इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक लेमन को मैंने कट किया था तो वो मैंने ऐड कर दिया है. तो जब सारे लाइक गार्लिक एंड अनियंस अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए ना, तब अभी हम लोग इसमें थोड़ा मैदा ऐड करेंगे, यानी ऑल पर्पज फ्लोर. तो अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ मैदा मैंने ऐड किया था. जब वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि एक थिक पेस्ट हो. एंड हाँ, आपको फ्लेम को ना लो पे रखना है. तो अभी यहाँ पे मैं व्हाइट चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ. अगर आपके पास व्हाइट चिली पाउडर नहीं है तो आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं. फिर अराउंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस हम लोग ऐड करेंगे इसमें. तो जब ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए ना, फिर हम लोग सैमन के पीसेस को ऐड करेंगे. एंड फिर इसके ऊपर में जो हम लोगों ने लेमन पीसेस को लाइक लेमन स्लाइस को जो फ्राई किया था ना, वो हम लोग ऐड कर देंगे. एंड बस कवर करके रख देंगे. तो ये धीरे धीरे होता रहेगा. एंड हाँ, मैं लेमन जेस्ट में ऐड करना ही भूल गई, तो मैंने ऊपर में ऐड कर दिया है. एंड डेफिनेटली सॉल्ट टू टेस्ट. तो सैमन ऑलमोस्ट पक चुका है. एंड जब भी आप सैमन बनाए ना, मेक इट इन लो फ्लेम. लाइक कभी भी हाई फ्लेम में मत बनाइएगा. एंड एट द एंड ना, लाइक तड़का बोलते हैं ना, तो उस पर ना मैं थोड़ा पाइन नट्स थोड़ा फ्राई करूंगी. सिर्फ पाइन नट्स ऐसा होता है. सो एट द एंड मैं इसमें थोड़ा पाइन नट्स स्प्रिंकल करके दे रही हूँ. एंड डेफिनेटली आपको लाइक लेमन जूस कितना ऐड करना, इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट. तो अभी एक पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया है. एंड फिर मैं चिकन पीसेस को ना मैं थोड़ा फ्राई करूंगी. मैं इसको और ग्रिल एंड ऑल नहीं कर रही हूँ. मैंने क्या किया, पैन पे थोड़ा ऑयल दिया है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम. एंड ताकि ना चिकन ऐसा रोस्ट टाइप हो जाए. एंड वहाँ पे राइस भी मैंने बिठा दिया है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रेवी भी रिमेनिंग बना लूँ चिकन का, यू नो, तो हो जाएगा. राइस इज ऑल्सो डन. एंड ये जो लोग फिश लवर्स है ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी लगता है. एंड इफ यू डोंट लाइक सैमन, देन यू कैन मेक इट विथ श्रिम्प ऑल्सो. श्रिम्प यानी प्रॉन, ये सब के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में. बट डेफिनेटली बी केयरफुल व्हेन यू मेक इट विथ श्रिम्प, क्योंकि आपको पता है श्रिम्प को अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई एंड ऑल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. तो चिकन कुक होने के बाद ना मुझे लगा नहीं, एक स्मोकी फ्लेवर तो चाहिए. तो उसके लिए मैंने चूल्हे पे ही मैंने यू नो थोड़ा ग्रिल टाइप कर लिया है. एंड विद द रिमेनिंग पोर्शन जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था, उससे अभी मैं ग्रेवी बना रही हूँ. तो ग्रेवी बनाने के लिए पैन में आपको थोड़ा ऑयल लेना है. एंड देन एट द जैक हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था, एंड डेफिनेटली एड सॉल्ट टू इट. तो एट द एंड यू नो जब ग्रेवी अच्छी तरीके से हो जाए, देन एट द चिकन पीसेस. एंड गैस को मैंने ऑफ कर दिया है. बस इट्स रेडी. एंड हाँ, अभी एक माहौल बनाने के लिए कैंडल लाइट लंच जब है तब कैंडल तो जलना ही चाहिए. तो देखिए मैंने कितना एक अच्छा माहौल बनाया है दोपहर के वक्त में भी कैंडल लाइट डिनर करने का. एंड अभी मुझे पता नहीं है यार, ये होगा भी या नहीं, या फिर मुझे वो रूम सर्विस ही दे के आना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट हियरिंग हिम. कोई बात नहीं, तो फिर रूम सर्विस, कैंडल लाइट, सॉरी डिनर नहीं, लंच, लंच.
शॉमिक बोल रहे कि इट इज हाउ इज द फिश, बोल रहे बहुत टेस्टी हुआ है फिश, डेफिनेटली इस तरीके से बनाइएगा। एंड कैंडल तो है, लाइट भी है, पर बहुत कम लाइट था तो हम लोगों ने ये जला दिया। एंड अभी वो अकेले खा रहे क्योंकि अभी मुझे राय को लेने जाना है। यू नो व्हेन जब आपके बच्चे बच्चे हो जाए तो ये सब बहुत मुश्किल में ही होता है। तो चिकन भी इट सीम्स बहुत टेस्टी हुआ है क्योंकि मैं बोल रही थी ना मैंने थोड़ा ग्रिल किया था, तो उसके बाद ना ऐसा ग्रेवी बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगता है। कुंटा तुम्हें बेशी भालो लगे या ब्राई देगा जस्ट चूल्हा से। वो छोटा बर्नर है ना उसी में मैंने ग्रिल किया, मैंने वो बड़ा वाला ग्रिलर जो है ना वो मैंने नहीं चलाया क्योंकि उसको तो मैंने क्या बोलू काउंटर टॉप बना लिया है ना ये तो काउंटर टॉप हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशंस रहता है कि जब आप कैंडल लाइट लंच या डिनर करें दोनों धीरे धीरे खाए हंस हंस के बातें करें, बट रियलिटी व्हेन यू आर मैरिड फॉर 17 and half 18 ईयर्स ही बोल सकते हैं एंड हस्बैंड घर से ही काम कर रहे हैं, उन्होंने कब का खाना खाया, कैंडल तो मैं बुझा ही चुकी हूँ एंड फिर वो जल्दी जल्दी चले गए। मैं तो पहले खाना ही नहीं खाने वाली थी क्योंकि राय का आने का टाइम हो रहा था, तो ही इज लाइक अरे तुम जल्दी खा लो, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया है। यू नो ये छोटा छोटा मोमेंट्स ना क्या हुआ हो गया, तो ये सब छोटा छोटा मोमेंट्स ना आई थिंक सो वी शुड ऑलवेज चेरिश। लाइक रिलेशनशिप में मैंने ये सब टॉपिक को लेके कभी भी बात नहीं किया है, पर मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। डेफिनेटली यू नो कोई कोई कपल में, कोई एक कपल में ऐसा नहीं बोलूंगी कि ओनली लड़का को बिजी होना चाहिए, मैं बहुत सारे कपल को जानती हूँ जहां पे यू नो द वाइफ इज सो बिजी, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना तो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि हम लोग के जो नेबर है ना वहां पे लाइक उनकी वाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, तो ही टेक्स सो गुड केयर ना, वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, देन यू नो ही डज लाइक वो थोड़ा खाना बना के रख देते हैं ताकि हेल्प हो। जैसे कि मैं सुबह वर्क पे गई थी ना तो मैं आके देखती हूँ मेरा तो बहुत लेट हो गया था, तो शॉमिक ने चाय बनाया फिर उन्होंने थोड़ा चाय कप में डाल के मेरे लिए रख दिया। यू नो ये सब अंडरस्टैंडिंग लाइक आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत स्पेशली अमोंग यंग कपल्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना ये सब प्रॉब्लम का रीजन इज सोशल मीडिया ऑल्सो। लाइक जब हम लोग का शादी हुआ था एंड ऑल तब तो सोशल मीडिया कुछ था ही नहीं, तब यू नो हम लोग को पता भी नहीं था हम लोग का फ्रेंड के साथ लाइक किससे शादी किया या फ्रेंड कहाँ पे है वो कहाँ पे, इतना कुछ ज्यादा तो पता नहीं था। बट नाउ ना वंस यू ओपन फेसबुक और इंस्टाग्राम यू विल सी सो मेनी डिफरेंट आप देखेंगे आपकी फ्रेंड, तो कॉम्पिटिशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नो ये कॉम्पिटिशन हम लोग खुद करते हैं बहुत ज्यादा हो गया है, पर पहले ऐसा नहीं था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना इस बारे में। एंड चलिए अभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, देन मे बी आई गो टू द बस स्टैंड एंड वेट फॉर राय टू कम। राय आने के बाद राय ने नहा भी लिया, खाना भी खा लिया। राय इसलिए ना वो सैमन नहीं खा लाइक उसको इतना ज्यादा पसंद नहीं है, पर आज लाइक राय ने सैमन खाया बिकॉज ऑफ व्हाट बोला, द लेमन स्लाइस, बिकॉज ऑफ द लेमन स्लाइस। It made it look so fascinating. Oh, it made it look very fascinating. Remember, mummy, जैसा कि fancy restaurant में, जैसा fancy restaurant में होता है ना, तो ये restaurant type salmon आप बोल सकते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना डाइनिंग टेबल का ये एरिया साफ कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना आई लव डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड हाँ मैं सोच रही हूँ कि वुड पॉलिश से अच्छी तरीके से मैं पॉलिश भी कर लेती हूँ लाइक जब मैं क्लीन अप ही कर रही हूँ। बस मेरा ऊपर का काम खत्म एंड हाँ मैंने लाइक ये तो राय ने बनाया था ना अभी ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है मेरे क्लोजेट के पास में, यहाँ पे दूसरा कुछ एक लिखा हुआ था तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे लेट अस कीप इट हियर एंड फिर
वहां पे रिमेम्बर ऊपर में मैं हर वक्त रिमेम्बर रिमेम्बर बोलते हैं, एज इफ आप सबको सब कुछ याद होगा, बट क्या करें, कनेक्शन हो जाता है ना. आई ऑलवेज फील कह रहे यू ऑल्सो नो एवरीथिंग. तो लिविंग रूम पे एक लाइक ये वॉल आर्ट था, ये बप्पा का है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है. ये हम लोगों ने काबेरी एम्पोरियम से लिया था बैंगलोर से. तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि नहीं, यू नो व्हेन आई वेक अप आई कांट सी, लाइक मैं किसी में बप्पा का चेहरा नहीं देख पा रही हूँ. तो मैंने शमित को बोला कि प्लीज ये यहाँ पे लगा दो. ऐसा भी ये बहुत अच्छा भी लग रहा है लाइक वॉल का जो कलर है उसके साथ. एंड सी वुड पॉलिश करने के बाद कितना ज्यादा शाइनी लग रहा है. पता नहीं कितना टाइम तक डाइनिंग टेबल इतना ही साफ रहेगा, पर हाँ अभी तो राय ऊपर में आती ही नहीं है. तो चलो बाहर चल के करते हैं टाटा बाय बाय. एंड हाँ, आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि पायल तुम बहुत नर्वस थी एंड ऑल. सी मेरे व्लॉग्स में ना, ट्रस्ट मी, स्पेशली व्हेन आई मेक व्लॉग्स ना, आई नेवर थिंक, मैंने आज तक व्लॉग के लिए ये भी नहीं सोचा है कि मेरा ड्रेस कैसा है. अगर आप मेरा बहुत पुराना वीडियो देखेंगे तब तो मैं नाइटी में आती थी. मैं अभी भी नाइटी में आ सकती हूँ, पर मेरे पास ज़्यादा नाइटीज है ही नहीं. एंड फिर मुझे वो ड्रेस मिल गया ना इस साल, तो मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद आया. तो ना मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, लाइक मेरे माइंड में जो रहता है ना आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक जैसा है मैं वैसा ही प्रेजेंट करती हूँ. आई डोंट थिंक वो लोग देखेंगे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना है, मुझे बहुत ऐसा नहीं होता है. जैसे आज का मैंने लंच भी दिखाया ना, ऐसा ही होता है. यू नो, जब अभी घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं व्हेन ही इज़ सो बिजी, तब ऐसा अगर आप कैंडल लाइट लंच भी करें तो भी ऐसा नहीं होगा, यू नो, कि हम लोग दोनों धीरे धीरे बात करेंगे और खाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तब ऐसा ही होता है कि सब लोग जल्दी जल्दी खा के, लाइक दोनों के अलग अलग कुछ काम रहता है. बट यू नो, दिस इज़ ओनली लाइफ एंड इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा है, मैं यही बोलना चाहती हूँ, एटलीस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. जैसे भी हम लोग हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे ट्राई टू स्टे हैप्पी. इतना ज़्यादा लाइफ को, Nobody can make their life so perfect. You know, movies में जैसे दिखाते हैं life perfect, serials में जैसे दिखाते हैं कि गाना बज गया, wow, beautiful moments, ऐसा बहुत कम create होता है. ऐसे करके हम लोग सब रहते हैं and we are happy also. तो चलो, पसंद आया है तो एक like. And हाँ, जाने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, wish you all a very happy weekdays. Yeah. Weekdays, खूब मस्ती कीजिएगा. And हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, If you like my channel and मैं ऐसी ही हूँ, then only please feel free to subscribe. So चलो, bye bye.